दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है, पोल्यूशन नहीं प्रदूषण, हाँ प्रदूषण है, और प्रदूषण और लेकिन फिर भी ध्रुव बाहर लंच करने की जिद थी इनकी, मुझे आंध्रा भवन जाना है। मेरा आंध्रा भवन का एक व्लॉग आप पहले भी देख चुके होंगे, और फिर आंध्रा भवन का नाम सुन के ना मुझे भी भूख लग गई, वहाँ खाना वहाँ का याद आ गया। इतने पोल्यूशन में भी हम लोग निकल पड़े हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल जैसे धुंध छाई रहती है ना, ठंड की धुंध, वैसे बिल्कुल यहाँ छाया हुआ है, धुआं धुआं सा, फिर भी हम चल पड़े हैं। अब मैं आपको रास्ते थोड़ा सा क्लिप दिखाऊंगी, फिर वहाँ पहुँच के बात करते हैं। फिर मैंने ये भी सोचा कि अब लास्ट टाइम चल रहा है, एक बार खा आऊँ, नहीं तो फिर खाने पीने की पाबंदी हो जाती है ना आफ्टर डिलीवरी, ये मत खाओ वो मत खाओ, तो मेरे भी मुंह में पानी आ गया, खा आती हूँ, फिर उसके बाद प्रिकॉशन देख लेंगे। देख रहे हैं ना, ये कोहरा नहीं है, सर्दी का कोहरा बिल्कुल नहीं है, ये पोल्यूशन है, स्मॉग है, और विजिबिलिटी बहुत कम है, मतलब जैसे ठंड में होता है ना कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है, वैसे सामने मुश्किल से कितने मीटर गाड़ियाँ निकल रही अपने को 50 मीटर 50 मीटर की गाड़ियाँ हम लोग को दिख रही है, 50 मीटर तक की, उसके बाद की गाड़ियाँ महीने में इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पंजाब और हरियाणा के खेतों में पराली जलाते हैं, उसके साथ साथ दिवाली वाला प्रदूषण भी हो जाता है, इसके चक्कर में बहुत ही गंदा मौसम हो जाता है यहाँ का। जब तक हम लोग को वेट करना पड़ता है तब तक बारिश ना हो जाए, बारिश होने के बाद ये सब ठीक हो जाता है।
हम लोग पहुँचे आंध्रा भवन और हम लोग डिनर करना लंच करना शुरू कर रहे हैं। दिखाएं अपनी थाली। हाँ ये देखो, टेडी बेयर की तो देख लो। ध्रुव अपने पापा को क्या बोलता है? टेडी बेयर। अब हम लोग खाना शुरू करते हैं। इनको ये मुझे बोल रहे थे कि मैं चिकन फ्राई